शांति, वेलकम टू सात्विक लाइफस्टाइल। आज हम आपको वेट लॉस सीरीज में एक और मेंबर से मिलाएंगे जिन्होंने सात्विक जीवन शैली को सीखा, अपनाया और थायराइड की दवाइयाँ खाते 6 साल हो गए थे और उनका वेट काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से घुटने के दर्द और कई सारे तमाम चीजें उनको थी। लेकिन उन्होंने 26 केजी वेट घटाया और जीवन शैली को सीख करके अपने आप को स्वस्थ किया। तो हम आपको चलिए मिलाते हैं जबलपुर से, और आप बताइए आपको कैसा लगा आपने सात्विक जीवन शैली को अपनाकर। नाम बताइए अपना और फिर आप बताइए अपना। ओम शांति। मेरा नाम मनसा भारती है, मैं जबलपुर से हूँ। मुझे 6 साल से थायराइड था। मैं 100 mg की दवा खा रही थी, सौ इसका एम जी दवा की डॉक्टर दवाई बोल खाते थे। जी, और एक बार चेक कराया, फिर बोला कि अब 75 का हमेशा, मतलब जिंदगी भर खाना पड़ेगा। मैं और वेट बढ़ता ही जा रहा था, वेट दवा खा रही थी, वेट बढ़ता ही जा रहा था। मेरा वेट 86 kg हो गया था, और अच्छा, छियासी इसके वेट बढ़ने केजी के आपका कारण वेट मेरे हो गया। जी 86 kg, और घुटने में प्रॉब्लम आने लगी। पूरा सर्वाइकल, एक साइड में दर्द होने लगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लगा, सर में दर्द, बहुत सारी दिक्कत आ गई। कभी दवा, बहुत सारी दवाइयाँ खाती, टोकरी भर की दवा, मतलब दिन भर रखा रहता, खाते रहते। अच्छा, दवाइयों का कभी तो पिटारा बांध रखा था। बहुत, मतलब 6 साल से सर इतनी दवा खा रही थी। अभी तो जब से 6 साल 6 महीने से मैंने सात्विक लाइफ स्टाइल ज्वाइन किया है, और 6 महीने हो गए, एक भी दवा मैंने नहीं, बहुत अच्छा। एकदम स्वस्थ हूँ। ये देखिए, सात्विक भोजन ही हमारा मेडिसिन है। बीमार होने पर दवा लेना है मजबूरी, अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सात्विक खाना है जरूरी। तो आपका स्वास्थ्य सात्विक भोजन में है, ना कि आपका दवा घर में है। मजबूरी है, जब इमरजेंसी में जब लेना हो तो वो दवाइयाँ लें। लेकिन थायराइड का रोग ऐसा रोग हो गया है, हर दूसरी तीसरी महिला दवाइयाँ खाई खाती मिलती है खाली पेट। लेकिन आप बहुत सारे जब और आते हैं तो डरते हैं, दवाई छोड़ने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो बल्कि दवा जब से छोड़ी तब से एकदम शरीर हल्का लगने लगा। और ये दवा आपने जो जैसे बताया, आपने जैसे सात्विक भोजन बताया बनाने के लिए, खाने के लिए, बहुत अच्छा भी लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है। बल्कि मेरे परिवार भी खाते हैं, मेरे परिवार में बच्चे भी खाते हैं दवा, खाना जो बनाती हूँ मैं सात्विक लाइफ स्टाइल, और सब खाते हैं, सब स्वस्थ हैं। खा अभी तो मेरे हस्बैंड को भी मतलब दिक्कत था, और मैं ये सब खाना बनाने लगी, खाना देने लगी उनको, बल्कि इससे बहुत उनको मतलब राहत मिली है जी। बहुत लाभ मिला। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि थायराइड कोई रोग नहीं है, सिर्फ एक जो आपका मेंटल डिसऑर्डर है, सिर्फ आपके भोजन की ही आपको दुष्परिणाम है जो आप तामसिक भोजन खाते हो। जैसे ही आप सात्विक भोजन खाने लगते हैं, आप सात्विक जीवन शैली को अपनाते हैं, जीवन में ध्यान योग का अभ्यास करते हो, तो उससे सारे रोग अपने आप ही छूटने लगते हैं। अच्छा, क्या क्या आप, अच्छा एक तो ये होगा आपको थायराइड की दवाई बंद हुई, दूसरा जी आपका 26 केजी वेट कम होने के बाद आप अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। अभी एनर्जी पूरा शरीर में दिन भर एनर्जी फील मतलब रहता है, सारा काम भी करती हूँ। पहले तो कुछ नहीं कर पाती थी सर, अभी मैं सारा काम कर रही हूँ जी। अच्छा, 10 मिनट तक खड़ा नहीं हो पाती थी, अभी तो इसका पूरा मतलब सुबह जी सात्विक भोजन करने से एनर्जी बढ़ी है, बढ़ती है, और जो जी आप जो जी नॉर्मल भोजन करते हो उससे आपको रोग मिलते हैं। रोग मिलते हैं, आलस आता है सर। वो दवा को खाना खा लेना तो फिर बस सोए रहो सोए रहो, ये खाना खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना खा लो सुबह से शाम तक, काम भी करो,
एकदम एनर्जी फुल, तभी भी मतलब थकते नहीं है। रात भी, रात में सारा काम पर खत्म करके 10-11 बजे तक ना सोते हैं। और जैसे ही आपका वेट बढ़ता है, आपके घुटनों में प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि घुटने जी दर्द क्लिक करते हैं, तो आपके घुटने में भी जी दर्द रहता था। आप घुटने का क्या हाल है आप? घुटने का तो एकदम दर्द छुमंतर हो गया, खत्म ही हो गया एकदम से। नहीं मतलब लगता ही नहीं कि हाँ सर दर्द भी था। उसे अच्छा। मैं परेशान हो गई। 6 साल पहले मैं बहुत परेशान थी, उठना बैठना भी मुश्किल था सर। ठीक अभी है। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। घुटना दर्द भी आपने ठीक किया, क्योंकि जी जब आपके नी पे जो 20 25 26 केजी जो वेट एक्स्ट्रा था, उसका प्रेशर था, और वो प्रेशर रिलीज जी होते ही आपका एकदम से ठीक हो गया। इसके अलावा एकदम आपकी स्किन में क्या चेंज आया जब सात्विक भोजन से, सात्विक जीवन शैली से, आपकी स्किन में क्या कैसा प्रभाव पड़ा? स्किन में ग्लो आ गया सर, चेहरे पे एकदम ग्लो आ गया। अभी देखने पर अच्छा लगता है चेहरा, अभी सुंदर मतलब जैसे पहले पहले से भी ग्लो आ गया है चेहरे पे। और देखिए, नहीं तो क्या होता, 26 केजी जब वेट लूज होता है तो स्किन लूज हो जाती है। आपके साथ को जी कभी जी कोई ऐसा हुआ कि नहीं आपकी ऐसा स्किन तो लूज हुई कुछ है? कहीं नहीं हुआ। नहीं अब सर ऐसा आपका नहीं लगता चेहरा है जी, देखो, एकदम चमक रहा दिख है, ग्लो करने लग गया है। भी रहा है। हाँ सर दिख भी रहा है, लोग बोलते भी हैं आपका चेहरा ग्लो करने लगा कि हाँ सात्विक अपना है तब से हमको बहुत लाभ मिला। तो जो भी चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, उस क्रीम से आपको कुछ नहीं होगा, आपके नहीं आपके पेट यानी आपके पेट में जो आपके टॉक्सिन्स भरे रहते हैं, उनकी वजह से, या वो स्किन पे पिंपल्स होना, ड्राइनेस होना, वो जी उसी का ही परिणाम होता है। जैसे ही आप हाथों की सफाई होती है, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, साथ साथ स्किन के रोग भी उसे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आपको इसके जी साथ सिर दर्द भी होता था, माइग्रेन पेन भी था, उसमें कितना जी आराम मिला आपको? बिल्कुल आराम हो गया सर, अब नहीं दर्द करता है अब नहीं जब से दर्द, मैंने किया। हाँ अभी नहीं करता, अभी बहुत आराम हो गया सर। और दर्द का आपको उन्होंने नेचुरल मैनेजमेंट करना भी सीख लिया, कि जी अभी तो सर मैं दुख है पूरा तब हमें टोटली क्या मैंने करना ने है। सब चीज मैं आपने जैसे जैसे बताया सब लिख भी लिया है, और उसका मतलब क्या करना है इसमें। तो अमृत पे बना के पीने से बिल्कुल आराम मिलता है सर दर्द का। मैं अच्छा, तो जब कई भी ये प्रॉब्लम पूछते होती हैं, हो कई ये सोचते हैं कि इन्होंने इतना वेट घटाया है, क्या क्या खिलाया आपको विशेष? कुछ आप बताओ, क्या क्या आपको खिलाया? बहुत सारी चीजें, मिलट्स मिलट्स ये नहीं कि खाली जूस फल खाए हैं, मिलट्स भी खाए हैं। मिलट्स में इतने स्वादिष्ट उसका पुलाव बनता है, उसकी दलिया बनती है, खिचड़ी बनाया, और चीला भी बनता है, छोला राजमा सब खाते हैं सर, पनीर पनीर भी खाते हैं इसमें। अच्छा, हो सब चीजें खाई हैं। देखिए, तो जी सब सात्विक जीवन चीजें खाई शैली हैं ऐसी है, उसमें सब चीजें ही बना के खिलाई जाती हैं और जी। और सिखाई भी मैंने जाती हैं हमें, साथ अपने जी किचन को सात्विक आप कैसे बनाओ, ये भी चीजें बना सिखाई सकते हैं। तो बहुत जी, और अच्छा आप लोग है बहुत आपने। सारी चीजें सीखा मैंने जी। अच्छा, सात्विक लाइफ स्टाइल की सर्विस आपको कैसी लगी? क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे, बताइए। बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो सबको यही कहूंगी सात्विक लाइफ स्टाइल ज्वाइन करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। उनको रोग कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो अपना उसका अच्छे से करेंगे सत्विक, हम सब चीज का समाधान है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी नहीं, सब सारी प्रॉब्लम जो भी है आप बताएंगे उसके हिसाब से सर बताएंगे, और अपना खाना पीना अपना चेंज करके और सही हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा है, और आपने इतने अच्छे से आपने फॉलो भी किया और मेहनत करी है आपने, साथ में आपने योग अभ्यास भी किए अपने वहां पर रहकर, और अपने जी आप को ठीक किया। तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप की संभाल करो, अच्छा सात्विक अच्छा भोजन खाओ, खूब एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में रनिंग है, डांसिंग है, एरोबिक है, योगा है, जो आपको आपके अनुसार हो वही आप करो, और जी स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और सात्विक
जीवन शैली सीखिए, इसको अपनाइए, आप थायराइड की दवाओं से छूट सकते हो। मैं कहता हूं मात्र 3 दिन के अंदर ही आप दवाइयों को छुड़ा देते हैं थायराइड की। और जैसे ही आप जी दवाई छोड़ते हैं, सात्विक आहार खाना चालू करते हैं, आपका वेट भी कम होगा, जोड़ों के दर्द भी कम होंगे, सर्वाइकल पेन, आपको सर्वाइकल पेन भी था, उसके बारे में जी बताओ। सर्वाइकल पेन भी था सर, मुझे एक साइड में मेरा हाथ इतना दर्द करता था, उठता नहीं था, इससे अच्छा। सारे मतलब कुछ ना कपड़ा धोना कोई काम नहीं कर पाती थी, झाड़ पो झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं कर पाती थी सर। अभी तो सारा काम मैं ही करती हूँ खुद, बच्चों का कपड़ा धोना, घर का मतलब सारा काम मैं करती हूँ सुबह से शाम। नहीं तो पोछा लगाने के लिए दूसरे को बोलो, कपड़ा धोने के लिए किसी दूसरे को बोलो, ऐसा होता था। ये देखियो, ये भी फायदा होता है। अरे, आपके पोछा लगाने में सबसे ज्यादा अच्छी कैलोरी बर्न होती है, पेट के रोग उसे नहीं होते हैं। तो जैसे ये जी सात्विक जीवन शैली इन्होंने अपनाई, तो घर का काम भी खुद करने लग गई है, एक और मैं खुद बेनिफिट करने लगे आपको एकदम, मिल अभी गया है। पूरा टोटली स्वस्थ हूँ, एक समय कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अभी। चलो, बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप जीवन भर सात्विक भोजन करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ओम शांति।